आज हम इमली की चटनी बनाएंगे, उसे हम साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए बनाते हैं। हम इमली लेंगे, इसके बीज हम निकाल लेंगे। रात भर हम इसे पानी से भिगोकर रखेंगे, नहीं तो 2-3 घंटा के लिए हम इसे गर्म पानी से भिगोकर भी रख सकते हैं। इमली अच्छे से भीगने के बाद हम इसे पीसेंगे और अच्छे से छान कर गैस पे रखेंगे और इसे पकाएंगे। अच्छे से बॉईल आने पर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें किशमिश ऐड करेंगे। पकते हुए ऊपर जो झाग आएंगे उन्हें हम निकाल देंगे। इमली की चटनी आप गुड़ से भी बनाकर रेडी कर सकते हो, मैंने शुगर से बनाकर रेडी की है। वैसे तो इमली की चटनी का कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इमली की खटाई के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम 1 बाउल इमली लेंगे तो हमें 4 बाउल इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। आवश्यकता के अनुसार या अपने टेस्ट के अनुसार हम कम या ज़्यादा शुगर को ऐड कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सेका हुआ जीरा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टेबलस्पून वाइट नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक नमक और ऐड करेंगे। टोटल हमने 1.5 टेबलस्पून ब्लैक नमक इसमें ऐड किया है। देखिए चटनी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडी होने पर इसमें गाढ़ापन और आ जाएगा। देखिए लुकवाइज देखने में ये ऐसी होनी चाहिए। चटनी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। चटनी बनाते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, यदि चटनी हम पतली बनाते हैं तो यह बहुत जल्दी ख़राब होगी और इसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते। यदि चटनी को आप ज़्यादा गाढ़ी बनाओगे तो इसमें जो शुगर है वह जम जाएगी, इसलिए चटनी को हमें एकदम बीच का रखना है, न इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा रखना है न ही पतला रखना है। चटनी रेडी है, गरम गरम पकौड़े बनाइए और चटनी के साथ टेस्ट का आनंद लीजिए। थैंक यू।